साल 2008 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, जिसके पास सिर्फ कुछ सैटेलाइट्स और रॉकेट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस था, उसने एक मून मिशन लॉन्च करने की सोची और 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। इसकी सफल लॉन्चिंग के कारण भारत की पूरे विश्व में तारीफ होने लगी और चंद्रयान 1 को इसरो की स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाने लगा। ये वो दिन थे जब नासा और दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसियों के बीच में मार्स को एक्सप्लोर करने की होड़ मची हुई थी। तभी 23 नवंबर 2008 को उस समय के इसरो चेयरमैन जी माधवन नेहर ने यह अनाउंस किया कि इसरो मार्स पर एक अनक्रूड मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इस न्यूज के सामने आते ही विदेशी मीडिया ने भारत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और लोगों को इस खबर पर ध्यान न देने की सलाह देने लगे। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत का मजाक उड़ाते हुए एक रेसिस कार्टून भी छापा और कहते हैं ना, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। बिल्कुल उसी तरह 5 नवंबर 2013 को मंगलयान की सफल लॉन्चिंग हुई। इसे देख विदेशी मीडिया और अदर स्पेस एजेंसियां आश्चर्यचकित रह गई कि लिमिटेड रिसोर्सेज और लो बजट के बावजूद भी इसरो ने इतने बड़े और कॉम्प्लिकेटेड मिशंस को सफलतापूर्वक लॉन्च कैसे कर दिया। और इसी के साथ भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक मेजर प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आया। इस वीडियो में हम इसरो की अब तक की अद्भुत जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसरो ने एक बैलगाड़ी से लेकर खुद के लॉन्चिंग व्हीकल पर मून और मार्स तक पहुंचने का साहसिक सफर तय किया। SLV-3 satellite launch vehicle. I was the project director, mission director. वैसे तो भारत में स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज की शुरुआत 1960 से हो गई थी, जब एक अमेरिकन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिनकॉम 3 के द्वारा टोक्यो ओलंपिक गेम्स का लाइव प्रसारण पूरे पैसिफिक रीजन में हो रहा था। इसे देख डॉक्टर विक्रम साराभाई ने फ्यूचर में स्पेस टेक्नोलॉजीज के बेनिफिट को पहचान लिया था और 1962 में तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर विक्रम साराभाई के आग्रह पर इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनको स्पेस की शुरुआत कर दी। 1969 में इसका नाम बदलकर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो कर दिया गया। पहले इसरो के लिए कोई अलग से मिनिस्ट्री का गठन नहीं किया गया था। इसके सभी मिशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। 1972 में स्पेस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट की देखरेख व कंट्रोल के लिए स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS की स्थापना की गई और इसरो को DOS के तहत लाया गया। स्पेस कमीशन एंड DOS भारत के प्रधानमंत्री के अंडर वर्क करते हैं। इसरो का मेन ऑब्जेक्टिव स्पेस टेक्नोलॉजीज का उपयोग भारत की नीड्स को पूरा करने और मानवता की भलाई के लिए करना है। इसरो के शुरुआती दिनों में कुछ ऐसी भी बातें सामने आई जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज और लो बजट के चलते एक कैथोलिक चर्च को स्पेस सेंटर और एक टॉयलेट को सैटेलाइट डाटा सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया। 21 नवंबर 1963 इनको स्पेस के बनने के जस्ट एक साल बाद भारत ने अपनी पहली रॉकेट लॉन्च की। इसे केरला के थुम्बा इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया। ये एक साउंडिंग रॉकेट था। इसका काम अपर एटमॉस्फेयर की जांच करना था। इसे नासा से इंपोर्ट किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि कैसे उन्होंने इस रॉकेट के एक एक पार्ट को बाइसाइकिल से असेंबलिंग सेंटर तक पहुंचाया था। 1975 में इसरो ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च की। आर्यभट्टा को USSR की सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। अब तक जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी उन सभी में विदेशी एजेंसी के लॉन्च व्हीकल यूज किए जाते थे। स्पेस टेक्नोलॉजी में लॉन्च व्हीकल एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। समय के साथ इसरो ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च व्हीकल की नीड को समझा और बेटर लॉन्च व्हीकल जो ज्यादा पेलोड्स को अर्थ से स्पेस में ले जा सके बनाने की शुरुआत कर दी। 1980 में इंडिया ने अपना खुद का लॉन्च व्हीकल SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया जिसके थ्रू रोहिणी सैटेलाइट सीरीज 1 लॉन्च की गई। इसी के साथ भारत ऑफिशियली 6th नेशन बन गया जिसने पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित लॉन्च व्हीकल को इंडिपेंडेंटली स्पेस में पहुंचा दिया। ये लॉन्च व्हीकल 17 टन का था और 40 kg पेलोड्स को लोअर ऑर्बिट तक आसानी से ले जा सकता था। SLV के अलावा ऑटोनोमस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV पर भी काम शुरू कर दिया गया जो ज्यादा पेलोड्स को स्पेस में पहुंचा सके। इसरो ने 1981 में अपनी पहली स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम था एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट APPLE। ये एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। इस सैटेलाइट की टेस्टिंग के लिए साइंटिस्ट को एक मेटल फ्री व्हीकल्स की जरूरत थी। कम बजट के चलते इसे बैलगाड़ी पर टेस्ट करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में व्हीकल्स नहीं थे, और जिस तरह की स्पेशल मेटल फ्री व्हीकल्स की जरूरत थी वो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, और इस तरह के व्हीकल्स की इम्पोर्ट चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है।
भारतीय एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा इंडिया और सोवियत यूनियन के एक ज्वाइंट मैन मिशन का हिस्सा थे। उन्होंने 1984 में रशियन स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में 8 दिन बिताए थे। राकेश शर्मा अब तक के स्पेस में जाने वाले एकमात्र भारतीय एस्ट्रोनॉट है। 90s की शुरुआत में इसरो में बहुत बड़े बदलाव हुए। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को दो भागों में बांट दिया गया, एक में कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान के लिए एक मल्टीपर्पज इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट का निर्माण किया गया और दूसरे पार्ट में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS का निर्माण किया गया। इसरो को स्टार्टिंग में इंडिया के दूरदराज और रूरल एरियाज में कम्युनिकेशन को बेटर बनाना था। बाद में इसरो ने अपने स्कोप को बढ़ाते हुए साइंटिफिक मिशन को शामिल कर लिया। इसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन पर ज्यादा फोकस था। 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया। ये एक रोबोटिक लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन था जिसमें सैटेलाइट्स को मून के ऑर्बिट में स्थापित करना था। इसमें इसरो पूरी तरह से सफल रहा। जून 2009 में चंद्रयान ने मून पर पानी का पता लगाया। चंद्रयान-1 इसरो की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। इसी के साथ भारत चौथा देश बन गया जिसने मून पर फ्लैग फहराया। 5 साल बाद 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को मार्स पर भेजा गया। A new chapter in India's space odyssey has begun. अर्थ के एटमॉस्फेयर और हाई ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने के लिए इसरो के पास इनफ रॉकेट पावर नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसरो साइंटिस्ट ने स्लिंगशॉट मेथड यानी कि गुलेल मेथड का यूज किया। मंगलयान ने कई दिनों तक अर्थ के चक्कर लगाए और इनफ वेलोसिटी मिलने पर अर्थ की ग्रेविटी को पार कर दिया। 2014 में इंडिया फर्स्ट कंट्री बना जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्शियन ऑर्बिट में एंटर कर लिया और इसी के साथ इसरो फोर्थ स्पेस एजेंसी बनी जिसने मार्स पर अपना खुद का ऑर्बिटर भेजा है। ये पहली इमेज है जो मंगलयान ने मार्स से भेजी। मंगलयान मिशन को लॉन्च करने में $74 मिलियन लगे। ये हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी जिसकी कॉस्ट $100 मिलियन है से काफी कम। PSLV एंड GSLV को इसरो की कम्युनिकेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में माना जाता है। जहां PSLV ने सक्सेसफुली चंद्रयान-1 एंड मंगलयान मिशन को मून और मार्स पर भेजा, वहीं GSLV ने कई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 1994 में PSLV की फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई। PSLV की अब तक 57 में से 54 लॉन्चेस सक्सेसफुल रही है। PSLV के हाई सक्सेस रेट के कारण इसे द वर्क होर्स ऑफ इसरो का टाइटल दिया गया है। ये एक थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। PSLV का यूज मल्टीपल लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स और स्मॉल पेलोड्स को ले जाने के लिए होता है। 2017 में इसरो ने एक सिंगल मिशन में PSLV C-37 के थ्रू एक साथ 104 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। इस लॉन्च को इंडियन स्पेस हिस्ट्री में सबसे कॉम्प्लिकेटेड मिशन माना जाता है। लगातार सक्सेस रेट के चलते PSLV को ग्लोबल मार्केट में एक रिलायबल वर्सेटाइल एंड अफोर्डेबल लॉन्चर्स के रूप में देखा जाने लगा है। पर PSLV सिर्फ अर्थ ऑर्बिटरी एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को 600 से 900 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ही भेज सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसरो ने GSLV को इंट्रोड्यूस किया। GSLV के दो मेन यूज है, एक तो इनसेट क्लास की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सके और दूसरा 2 से 4 टन वजनी सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट्स में पहुंचाया जा सके। GSLV की फास्ट डेवलपमेंट के लिए इसरो ने रशिया की स्पेस एजेंसी ग्लेवोकॉस्मोस के साथ $120 मिलियन की डील साइन की थी, जिसमें रशिया को अपर स्टेज के 7 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन और भारत के साथ कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना था। पर US ने जुलाई 1993 में ग्लेवोकॉस्मोस और इसरो पर सेक्शन लगा दी। US का कहना था कि ये डील मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम को फॉलो नहीं करती। हालांकि US सेक्शन के हटने के बाद इसरो ने रशिया के साथ एक और नई डील साइन की जिसमें रशिया से 7 क्रायोजेनिक इंजन को इम्पोर्ट किया गया, पर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई जो पहले वाले डील में तय किया गया था। ये इंजन इनिशियल फ्लाइट्स के लिए यूज किए जाते थे और इन्हें GSLV Mk-1 नाम दिया गया। पर GSLV Mk-1 के लिमिटेड सक्सेस के कारण इसरो ने 1994 में इंडिजिनस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया।
इस प्रोजेक्ट का नाम था क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का पर्पस विदेशी क्रायोजेनिक इंजन्स पर डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म कर देना था। स्वदेशी जीएसएलवी को जीएसएलवी मार्क सेकंड नाम दिया गया। 5 जनवरी 2014 को जीएसएलवी D5 लॉन्च किया गया, जो जीएसएलवी मार्क सेकंड सीरीज का हिस्सा था। ये इंडिया में जीएसएलवी की पहली सक्सेसफुल लॉन्चिंग थी, जिसमें स्वदेशी CE-7.5 क्रायोजेनिक इंजन यूज किया गया। CE-7.5 5 टन पेलोड्स को लोअर ऑर्बिट्स में प्लेस करने की कैपेसिटी रखता है। इसे पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन एंड डेवलप किया गया। जीएसएलवी की अब तक 14 में से 10 लॉन्चेस सक्सेसफुल रही है। लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM3, जिसे पहले जीएसएलवी Mark 3 भी कहा जाता था, ये जीएसएलवी से ज्यादा पावरफुल एंड हायर पेलोड कैपेसिटी को होल्ड करता है। LVM3 इसरो की सबसे हैवीएस्ट स्पेशल लॉन्च व्हीकल है। LVM3 को भविष्य में इंडिया की हैवी एंड सुपर हैवी लॉन्चेस के लिए तैयार किया गया। चंद्रयान 2 में भी LVM3 का ही यूज किया गया था। इसे इंडिया का फर्स्ट क्रू मिशन गगनयान के लिए बेस्ट फिट माना जाता है। LVM3 की अब तक 6 में से 6 सक्सेसफुल लॉन्चेस रही है, जो कि अमेजिंग है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स LVM3 का अपग्रेडेड वर्जन, जिसमें फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन को साथ में बंद किया जाता है। 10 मई 2023 को इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स की फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्टिंग की। इस टेस्टिंग के जरिए इसरो 2000 किलो न्यूटन्स वाले थ्रस्ट इंजन बनाने के एक और कदम पास आ गया। PSLV, GSLV, LVM3 एंड साउंडिंग रॉकेट अभी ऑपरेशनल मोड में, और ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्क्रैमजेट इंजन्स एंड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का भी डेवलपमेंट चल रहा है। 2 अप्रैल 2023 इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिसाइल की 5 में से 2 टेस्टिंग कर ली है। नाम से ही क्लियर है, ये लॉन्च व्हीकल्स पेलोड्स और ट्रैवलर्स को लो अर्थ ऑर्बिट्स तक ले जाएगा और पेलोड्स को डिलीवर करके पृथ्वी पर रिटर्न आ जाएगा, जिन्हें फिर से यूज किया जाएगा। इससे इसरो को लॉन्च व्हीकल पर बहुत कम खर्च आएगा। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग कर भारत स्पेस टूरिज्म के मल्टी बिलियन मार्केट में एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर के रूप में एंट्री कर चुका है। इसरो फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म के ग्लोबल मार्केट में SpaceX एंड ब्लू ओरिजिन को टक्कर दे सकता है। इसरो के फ्यूचर मिशन में चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान, निसार, मंगलयान 2 एंड SpaceX आते हैं। इसमें चंद्रयान 3, आदित्य L1 एंड गगनयान को 2023 के सबसे इम्पोर्टेंट मिशन माने जाते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है। 2019 में चंद्रयान 2 की लास्ट मिनट में कुछ सॉफ्टवेयर में खराबी होने के कारण विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो गई। चंद्रयान 3 भी सिमिलर मिशन है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लैंडर को मून के ऑर्बिट तक ले जाना और इसकी सेफ एंड प्रिसाइज लैंडिंग करवाना है। चंद्रयान 3 में इंडिजिनियस लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड रोवर होगा। मिशन को LVM3 के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 की लैंडर एंड रोवर की लाइफ 1 लूनर डे यानी कि 14 दिन होगी। इसे mid-2023 तक लॉन्च किया जाना है। मिशन की कॉस्ट 250 करोड़ एस्टिमेट की गई है, जिसमें LVM3 का 365 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च आएगा। आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट मिशन होगा जो सन की स्टडी करेगा। इसे इसरो द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किया जा रहा है। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट के L1 पॉइंट पर रखा जाएगा। इसके मेन ऑब्जेक्टिव सोलर एटमॉस्फेयर एंड सन की आउटर लेयर कोरोना की स्टडी करना है, और साथ ही सूर्य का पृथ्वी के एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी पता लगाना है। मिशन को PSLV-XL द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसे भी mid-2023 में लॉन्च किया जाएगा। मिशन की कॉस्ट 378 करोड़ एस्पेक्ट की गई है, जिसमें लॉन्च व्हीकल का खर्च अलग से आएगा। गगनयान इसरो का सबसे एम्बिशियस मिशन है। गगनयान को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। इस मिशन में 3 क्रू मेंबर्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा और 3 दिनों बाद इनकी इंडियन सी में सेफ लैंडिंग कराई जाएगी। मिशन को ह्यूमन रेटेड LVM3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। HLVM3 LVM3 को रिकॉन्फिगर कर ह्यूमन के लिए सुटेबल बनाया गया। गगनयान मिशन पूरी तरह से स्वदेशी होगा। इसे DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड इसरो द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स और जेनेरिक ट्रेनिंग रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा कराई जाएगी। HLVM3 में सबसे ऊपर ऑर्बिटल मॉड्यूल होता है, जो क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल से मिलकर बना है। अगर लॉन्चिंग के टाइम कोई इमरजेंसी होती है तो क्रू एस्केप सिस्टम के द्वारा ऑर्बिटल मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल से डिटैच कर दिया जाएगा और क्रू की सेफ लैंडिंग करा दी जाएगी। गगनयान मिशन को लॉन्च करने से पहले इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट, पैड एबोर्ट टेस्ट एंड टेस्ट व्हीकल फ्लाइट टेस्ट किए जाएंगे। गगनयान का अनक्रू मिशन 2023 के एंड तक किया जाएगा। इसकी सफल टेस्टिंग के बाद फाइनल क्रूड यानी मैन्ड गगनयान मिशन भेजा जाएगा। अगर ऑल टेस्टिंग सफल रहती है तो गगनयान क्रूड मिशन 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। मिशन की टोटल कॉस्ट 10,000 करोड़ एस्पेक्ट की गई है। इसके अलावा मंगलयान 2 को 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। निसार इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव पूरे ग्लोब की 12 दिनों में मैपिंग करना व अर्थ इकोसिस्टम की स्टडी करना है। निसार को दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट माना जा रहा है। इसकी टोटल कॉस्ट $1.5 बिलियन है। इसमें इसरो का हिस्सा 99 मिलियन और नासा का 808 मिलियन रहेगा। निसार को 2024 में GSLV Mark 2 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। SpaceX, ये दो स्पेस क्राफ्ट
वाला मिशन है। इसकी कॉस्ट 124 करोड़ होगी और इसे भी 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष में स्वदेशी स्पेस स्टेशन बनाना इसरो का लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा मिशन है। ये कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह जॉइंट मिशन नहीं होगा। भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स 12 से 15 दिन रह सकें। इससे दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। इसे 2035 तक लॉन्च किया जाएगा। इसरो दूसरे देशों की हाई बजट वाली स्पेस एजेंसी से काफी अलग है, जहां अमेरिका की नासा और रशिया की रोसकॉस्मोस की शुरुआत आपस में कंपटीशन करने और दुनिया को अपनी पावर दिखाने के मकसद से हुई थी। वहीं इसरो का उद्देश्य शुरू से ही मानवता की भलाई रहा है। डे वन से इसरो का टारगेट भारत के कोने कोने में कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है। इसके लिए इसरो ने कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स पर ज्यादा फोकस किया और आज इसरो के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का समूह है। इसके थ्रू गगनयान एंड नाविक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ऑपरेट होते हैं। आज जो मैं और आप दुनिया के किसी भी कोने में से मोबाइल पर बात कर सकते हैं और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, ये इसरो के बेस्ट प्रयासों का ही रिजल्ट है। पर आप सोच रहे होंगे कि लेह लद्दाख और दूसरे ऊंचे इलाकों में तो सिग्नल आता ही नहीं है या फिर रुक रुक कर आता है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इसरो ने 15 सितंबर 2022 को यूजर्स कम्युनिकेशन इंडिया से मिलकर फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को लॉन्च किया है। इसके जरिए भारत के रिमोटेस्ट एरिया लेह लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों तक बेटर कनेक्टिविटी दी जाएगी, जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के द्वारा पॉसिबल नहीं। आज भारत पूरी तरह से कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, नेविगेशन एंड वेदर सिस्टम में आत्मनिर्भर हो गया है। 2023-24 के बजट में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को 12,543 करोड़ अलॉट किए गए, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के लिए 9,441 करोड़ तय किए गए। अगर इसे हम नासा के 2023-24 के बजट से कंपेयर करें, जो कि $25 बिलियन है, तो इसरो का बजट 1/16 होगा नासा के बजट से। पर इतने कम बजट के बावजूद भी इसरो ने बहुत कम समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की है। बजट पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इसरो ने कमर्शियल मिशंस भी करना शुरू कर दिया। जैसे 27 मार्च 2023 को इसरो ने यूके बेस्ड वनवेब सैटेलाइट्स को लॉन्च कर 1100 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया। इसरो ने अब तक 34 देशों की 350 सैटेलाइट्स को अर्थ ऑर्बिट में भेजा है। इसरो की लो कॉस्ट, मिनिमम फेल्यूर रेट और बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज के कारण इसरो वर्ल्ड स्पेस मार्केट का बेस्ट ऑप्शन बन गया है। फ्यूचर में इसरो अपने इन्हीं खूबियों के चलते स्पेस टूरिज्म के मल्टी बिलियन मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर सकता है और इससे अर्न रेवेन्यू को इसरो अपने फ्यूचर मिशन में इन्वेस्ट करेगा, जिससे इसरो की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। इसरो के अचीवमेंट्स में इसरो साइंटिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने सैटेलाइट को बैलगाड़ी पर टेस्ट करने से लेकर इसरो को स्पेस टेक्नोलॉजी में एक मेजर प्लेयर बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर इसरो को नासा का बजट मिल जाए तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।